Let me see the photos. Why are we meat pies are eating kara hua hai? Harry Potter. Can you speak personal? आपने एक चीज नोटिस किया, बेचारा नंगा है। Hello guys, photos are free, we just ask you to visit the store. It's a free photo, we just ask you to visit the store first. Let it be. ब्रेक भी है मतलब मूवीज भी वॉक ऑफ फेम में आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ 100-200 साल वो क्या करेंगे जब इतने सारे लोग हो जाएंगे। माइकल जॉर्डन कामी भाई और वो कहाँ गए? आजो, हाँ, यू जैकमैन, यू जैकमैन, वो साइन कहाँ पे दिखता है? शफीक लाला, मोहम्मद अली का कहाँ? मोहम्मद अली का शायद सामने, किधर? सामने, वॉल पे, उसका वॉल पे, हाँ, पाकिस्तान, वेनम, दिस वेनम, पाकिस्तान, वेनम Done. Hey, you come here. Everybody come here. Everybody come here. He's your brother? Ben. Okay. Hey, Venom. Banana. Banana. I like that thing. That's a good one. Thumbs up. Thumbs up. Make the Venom hit. Indeed. Indeed. The power of the blue sky. Hey, what is this? What is this? Why the color? US team. Cricketers. आजा बड़ा आजा। क्या किधर है? मोहम्मद अली। ये गूगल में नहीं आता, ये ढूंढना होता है। चलते हैं। चलो। बॉलीवुड वाला साइन कहाँ दिखता है भाईजान?
इधर दिख रहा है, बॉलीवुड साइड, तो वो साइड नहीं दिखा ना। भाई यहाँ एक बार और ऐसे करना, डायरेक्टर की हाथों की फोटो है। सपोज एक जो किया था, अगर मेरा पूरा नाम से उनको स्टार बनाना है, पूरा एक ब्लॉक लगेगा, पूरा ब्लॉक, पूरा ब्लॉक। काजी हुसैन मोहम्मद दाऊद इब्राहिम जिदान मीम। और ये नाम नीचे नहीं होना चाहिए, फ्लोर पे होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर लिखते हैं तो फिर पूरा ब्लॉक लगता है उनको, इतने छोटे छोटे स्टार्स पे। मोहम्मद अली ने इसने तो उनका दीवार पे रख दिया, तो मना किया था ना हम लोग, मना किया था। इसके अंदर है कमरा भाई, ये कौन, ये कौन, ये लाइट उधर है, लाइट वहां से रोड क्रॉस करो, और वहां से क्रॉस करो, ये रहा ऊपर कैलिफोर्निया, कौन सा वो फ्लेवर था, क्या खाते हैं भाई जी, बोतल है regarding something, what are you?
शफी खान इज द गवर्नर ऑफ द रिपब्लिक. So we'll start the evening actually on the pehle Dilawar Park se shuru karenge aur hamare paas yahan par Aisha hai, if you can join us please. So we'll start the evening with the name of Allah inshallah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. So, हमारी नजरात हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि ये इवेंट यूएस क्रिकेट वर्ल्ड दे आर एक्चुअली नॉमिनेशन जो कि क्रिकेट प्रमोट कर रही है अमेरिका के और आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी नोज दिस या आप लोगों के लिए नई बात है कि नहीं कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट को इस तरह प्रमोट कर रही है. इन्होंने थ्रू आउट अमेरिका कैंप्स किए हैं and it's been in 10 cities, New York, New Jersey, Dallas, San Francisco, ye kuch shehar hai. So I think, first of all, they need a big hand for on behalf of all the US citizens, I thank you very much ki aap log itna bada aapne khatam liya aur apna time diya. And before I introduce two of these heroes over here, thoda sa main यूएस क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में बता दूं और ये बता दूं कि ये यूएस क्रिकेट वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं हमारे साथ शफी खान ब्रदर शफी खान शफी भाई जो माशाल्लाह ये बहुत बात दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में क्रिकेट को और फ्रूट मिले. सो इस कैच में इन्होंने जितना भी टैलेंट अमेरिका में है दे वर ट्राइंग टू लुक फॉर इट एंड दे हैड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. इनको बहुत सारे ऐसे लड़के मिले जिनको दे नो दैट दे कैन बिल्ड they can coach and they can be a better cricketer out of them or world cricketers for his UK ne jayenge camp mein. So please support the organization and of course jaisa maine pehle kaha ki ye america ki history mein first time hai ki cricket ko is tarah flow mil raha hai. To ye cheez ye hum isko yahan jama jo hue hain I think we will see the finals of this cheez ko dekh rahe hain to hame chahiye ki hum isko full support kare और जितना हो सके आगे बढ़ के जहां पर भी खिदमत कर सके हम कर सके जो हमारे ऐसे में हो इंशाल्लाह. सो लेट मी बचपन से एक ऐसे शख्स को देखते आ रहा हूं कि जिसके बारे में सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता था अगर पाकिस्तान को कोई जिता सकता है वो सर क्लाइन मुश्ताक. उसका रीजन क्या है? पाकिस्तान की बॉलिंग साइड हमेशा से स्ट्रांग रही है लेकिन ये एक ऐसे स्पिनर बॉलर थे जो लास्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग कराते थे बेशक और इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर जिसे इन्होंने बताया कि दूसरा इवेंट करने वाले ये थे. और आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी कि वसीम अकरम ने जब आपको फर्स्ट टाइम मिले थे और आपकी ये दूसरे की दूसरा जो आपको बॉल था दिस वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग दैट्स व्हाई ही चूज यू टू गो टू द शारजा एंड प्ले ओवर देयर एंड ऑन दैट मैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन शारजा एट लीस्ट चार टीमें थी and Brian Lara Tendulkar he was the one who knocked them down in his first so all uske baad you know inka spin bahut chota tha but it was very inspiring aur bahut amazing tha and that's why he's one of the best. Lekin ek sawal hamesha mere mind mein raha ki aapne 300 wickets nahi ki aapko kabhi uska afsos hua ki aapne world day mein kabhi 300 nahi kar sake. Um,
देखो जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से इंजरी की वजह से बाहर हुआ, कुछ और भी इश्यूज थे मगर मेन इंजरी, तो पहले दो साल तीन साल वो तड़पता था। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दीन सीखने और उसके रास्ते में जब चला तो थोड़ा सा ये यकीन आ गया कि भाई पहले भी तू अपनी मर्जी से भी खेला, तुझे अल्लाह ने खिलाया, जो कुछ तुझे मिला वो अल्लाह ने दिया। तो तीन साल साढ़े तीन साल लगे, उसके बाद अल्लाह के फैसले पे जो है वो अपने दिल को मनाई है, क्योंकि अल्लाह का फैसला था क्या अल्लाह ने जो करना था वो करना ही चाहिए। उसके बाद जो है पहले तीन साढ़े तीन साल दिन पे काफी बहुत था, उसके बाद एक्चुअली इनकी जो सबसे अच्छी बात, इनकी जो सबसे अच्छी बात यही है, इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ प्लेयर आई हैव एवर सीन, क्योंकि ये बात बहुत इनक्रेडिबल होती है, बहुत कम होता है ऐसे प्लेयर जो कि यू नो एक स्टार बन जाते हैं, दे बिहेव लाइक एन स्टार, ही इज सो डाउन टू अर्थ पर्सन। इसके लिए भी अप्लॉज बनता है हमारी यंग जनरेशन जो कि यहां से आगे बढ़ेगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर, it's an amazing, so inshallah main zarur aapse iske baad mein milunga sir, thank you so much, thank you man. So before I pass on the mic to Sanjay, we also have one of our other superstars here from Pakistan over here, Kamran Akram, mashallah, we asked that Peshawar Dabhi ke saath associate rahe, jo ne PSL last year dekha ho shayad unko yaad ho ki इनकी शानदार गायाना भरे 50 से 50 आपने की थी उसमें दो मैच एक एक 50 के पाकिस्तान गए नहीं बल्कि दुनिया का पहला विकेट कीपर है जिसने टी20 में 2 सेंचुरी मारी, दुनिया का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने फर्स्ट क्लास में 200 रन किए वनडे के लिए, सालों से पाकिस्तान का डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टी20 में बेस्ट रन मेकर है और बेस्ट परफॉर्मर है। यूएसए क्रिकेट बोर्ड शफी खान साहब जो है इन्होंने इसका बेड़ा उठाया, बेड़ा करेक्ट नहीं कह रहे पहला प्रोग्राम हुआ न्यूयॉर्क में, खैर इसने मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा इसका कुछ एक हिडन मैसेज भी है यूएसए क्रिकेट बोर्ड का, हम कह रहे हैं हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे जो टेक्नोलॉजी गैजेट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कम से कम ग्राउंड में आए क्रिकेट खेले, फिर उसका हम लोग इनका पाथवे बनाएंगे, बच्चों को मुख्तलिफ लीग्स हो रही है दुनिया में वहाँ पर लेके जाएंगे, गेम में लेके जाएंगे, टैलेंट हम होगा
कोचिंग दी जाएगी जिसमें बहुत पोटेंशियल होगा उसको इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में या इंडिया में कहीं पर जो इंडियन जो जहाँ जहाँ जाना चाहिए उनका प्लानिंग होगी। ये तो एक सारी अलग अलग चीज़ है। हिडन मैसेज ये है कि क्रिकेट के थ्रू क्रिकेटर भी बनाए जाए और करेक्टर भी बनाए जाए, उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए। जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा यार कि हम लोग इस तरह कहेंगे कि बच्चों को हम क्रिकेट भी सिखाएंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी लेके आएंगे और मुख्तलिफ इंटरनेशनल खिलाड़ी आते रहेंगे, उनको ग्रूम करेंगे, क्रिकेटर बनाएंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे। फिर उनका जाहिर है हमने अक्सर सुना हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड, जिसम मजबूत होगा दिमाग मजबूत होगा और हदीस का मफहूम भी है जिसम मजबूत है तो ईमान मजबूत है। तो हम उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे, उन बच्चों को खिलाएंगे और उनका फ्यूचर भी बनेगा, इंटरनेशनल स्टार बनेगा, अपने अपने गुड का नाम रोशन करेंगे, दुनिया में इतनी क्रिकेट फैल गई है और वो जनाब पूरी दुनिया घूमेंगे खाएंगे मौज मस्ती करेंगे। तो बहुत सारे आइडियाज थे मगर हिडन मैसेज यही है कि उनको खेल के साथ साथ अच्छा इंसान बनाया जाए। जब पहला हुआ प्रोग्राम तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा खान साहब लगते दाल गलने वाली नहीं है, वापस चलते। मैंने कहा यार ये कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कहते हैं ये आपका जो मैसेज है या जो आप कुछ बताना चाह रहे हैं और हमें आप यहाँ पे ले गया है उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, हमें वापिस चलते हैं छोड़ दो। तो कहने के पठान पीछे ही जाता है पहला प्रोग्राम हुआ, दूसरा प्रोग्राम हुआ, मैंने फेसबुक का मैंने कहा यार मैं सीखा जा रही हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे क्रिकेट का किसी को या जो हम कहना चाह रहे हैं समझ नहीं को, तो वापिस चलते तीन प्रोग्राम हो गए, सात प्रोग्राम हो गए और मैं इसको कह चले गए नहीं हम अपना जो पूरा टूर करके जाएंगे देखेंगे। दस सिटीज में हमने न्यूयॉर्क से शुरू किया, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, फिर हम लोग गए मैरीलैंड गए, फिर सैन फ्रांसिस्को गए, अटलांटा गए, डैलस गए, शिकागो गए, पता नहीं और एक आध बीच में मिस कर रहा हूँ मैं, सैक्रामेंटो गए, वहाँ से फिर यहाँ आए, कभी गाड़ी में जा रहे हैं कभी जहाज में जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह यहाँ पे आ रहे थे हाथ मुँह पे रखे हमने खास साथ में और लोग वहाँ से आ रहे थे यही सोच के कि यार हम जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह बच्चों को देखेंगे, उनको उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, कोचिंग होगी, डिनर होगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ तो वालदैन की याद आ गई और पंजाबी वो एक था नज़्म वो शुरू कर दी, पता नहीं अब कौन सी थी वो सुनना शुरू कर खान साहब पता चला पता चला कि वो सुनते सुनते कुछ 15-20 और सुनते 15 और खत्म हो गए। अच्छा अब हम जिस जगह पे रुके हमारी गाड़ी दिखी ना साहब में पेट्रोल पंप की लाइटें नजर आ रही, हमने कहा वो पेट्रोल पंप के वहां पे गाड़ी चले जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं, फोन किया वो ट्रिपल ए वो आए आगे जनाब 2 गैलन 140 पाउंड का या 25 पाउंड का वो 2 गैलन डाला, 1 घंटा वहां पे हम लोग, तो उसके बाद फिर 2 मिनट के अंदर पेट्रोल पंप में गए वहां पे पूरी रात ऐसे और कल हम लोग कोचिंग के लिए गए पठान पीछे नहीं रुके। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट, बेजोर लोगों का ज्यादा आ जाना वो कोई ऐसा चीज नहीं है, मगर कम लोग भी हो उस सपोर्टिव हो वो मेन मीनिंग होता है, वो मायने रखता है। हम लोग हमने जब क्रिकेट शुरू की थी इसे माँ बाप हमें सपोर्ट करते थे, बाकी सब कहते थे मेरा रंग थोड़ा पहले से काफी हम तो थोड़ा दब गया काफी बुरा था तो मुझे अक्सर लोग कहते थे भाई तू रंग काला करने जा रहा है पागल है तू डूबने के लिए, बहुत लोग ताने मारते थे और बड़ी बेइज्जती भी किया करते थे, सिर्फ वालदैन सपोर्ट करते थे, हम पागलों की तरह लगे रहते थे। कुछ सालों के बाद पता चला कि भी वो मेहनत और जो सिर्फ माँ बाप की सपोर्ट थी बड़ा मिल गया। आप लोग
चाहे हॉल भरा हुआ नहीं, ये कुछ लोग हैं, आप लोगों की थोड़ी सी जो सपोर्ट है, क्या पता है कि अगली नस्ल जो है वो उनके लिए क्रिकेटर भी बने, कैरेक्टर भी बने, अच्छे इंसान भी बने और उनका कोई फ्यूचर भी बने। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप लोगों ने जो है यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड को जो है वो सपोर्ट करने बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं कामी को दे दूँ वरना भूख भी लगी हुई है। क्यों खान साहब क्या कर रहे हैं? सलाम अलैकुम सकी भाई, वापस नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे जी। पहले तो बहुत शुक्रिया शफीक भाई और यूएस क्रिकेट वर्ल्ड जो हम मुझे बताया यहाँ पे इतने बड़े लेजेंड के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब कॉन्टैक्ट किया तो मैंने कहा यार मैं तो खेल रहा हूँ क्रिकेट, अभी मेरी कोचिंग की उम्र नहीं है ना, मैंने भी क्रिकेट छोड़ी है। कह रहे भी आप आए, सकलैंड भाई हैं, एक हमारे डैर प्लेयर हैं, एक क्रैक प्लेयर जो खेल रहे हैं, जरा कम्पिटिशन अच्छा बनेगा, यंग बच्चे हैं तो थोड़ा सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर देखा भी जाता है, मैंने कहा सकलैंड भाई से बात की, सकलैंड भाई ने कहा आ जाएंगे, अच्छा है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। मैं कहा चले कर लेते हैं, एक्सपीरियंस है, मुझे भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इनके इनके साथ काम करने का। तो ऑनेस्टली बताऊँ बड़ा मज़ा आया और यहाँ पे जितने कैंप जो है सकलैंड भाई ने बताया और इतना बड़ा जो काम किया है इस क्रिकेट के लिए, अमेरिका के क्रिकेट के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी बैठे हुए हैं जो ग्राउंड में भी आए हैं पूछने के लिए, खेलने के लिए, कोचिंग देने के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एक तो सकलैंड भाई के साथ एक अमेरिका में आके मैं कुछ भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली जो मैंने इन बड़ों के साथ सीखा वो शेयर किया इन बच्चों के साथ, इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप पेरेंट्स जितने हैं वो खुश होंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे ख्याल से उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। यही चीज़ है आप लोगों से यूएस क्रिकेट को बढ़िया से सपोर्ट करें, इन बच्चों का मुस्तकबिल देखें। जैसे बताया बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट की है ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी और कोई पेरेंट्स इतना लेके नहीं आते थे, पैदल जाते थे जब क्रिकेट शुरू की है, मोहल्ले वाले कहते थे जैसे सकलैंड भाई ने बताया वही वर्ड यूज़ करते थे। तो बस पेरेंट्स की साथ था, उनकी दुआएं थी, तो अल्लाह ने इज्जत दी है। यही कोशिश ये हमारी है सकलैंड भाई की भी, यूएस क्रिकेट वर्ल्ड की भी, कि इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छी हो, आप लोगों के तावन से, आप लोगों की सपोर्ट से जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे 10 सिटीज में जहाँ खेल के गए हैं, बड़ा अच्छा लगा और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू शफीक लाला आपकी टीम का और यूएस क्रिकेट वर्ल्ड का जिन्होंने ये काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका के लिए कि 10 सिटीज में जाना। मैंने इससे पहले टेस्ट नेशन है वहाँ भी देखा, मैंने 10 सिटीज में जाके काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से अमेरिका में ये काम शुरू हुआ है। ये नहीं कह सकते कि ए टू और सी सब कुछ हो जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के तावन से। तो इंशाल्लाह अमेरिका की क्रिकेट जैसे आज अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की टीम, पाकिस्तान टीम जैसे हो, इंग्लैंड जैसी हो, इंडिया जैसी टीम को टफ टाइम दे सकती है, तो मेरे ख्याल से अमेरिका की क्रिकेट भी तय हो सकती है। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई और कानून, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हम इवनिंग में आगे बढ़ाते हैं, आई इनवाइट ब्रदर शफीक खान, जैसे कि मैंने बताया कि ही इज द वन, और जैसे सकले मैंने कहा कि पठान आगे की तरफ देखकर पीछे पलट नहीं देखेगा, तो तो शफीक भाई ने जो कर लिया है तो अल्लाह हिम वॉक विद प्रोग्राम इंशाल्लाह। आप लोगों को पूरे 10 की 10 शेयर के सारी कार्यवाही भी ना दी सब अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ड्रीम फॉर एलडी भी और इसके 27 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, चेहरा ही बता रहा हूँ कि हाल है हमारी और मेहमान की माजफाइन से कहूँ कि वो खातिर जवाब तो नहीं कर सके। आप लोग को याद हो कि आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले ऑल स्टार आए थे यहाँ पे, जितने वर्ल्ड के 25-30 जो प्लेयर थे सब आए थे, एक गेम यहाँ लॉस एंजेलिस में भी हुआ था उसमें भी जकी भाई थे। अब उनका
या उसमें सचिन तेंदुलकर जितने बड़े प्लेयर सब आए थे, वसीम अकरम, शेर वान, लाला सब आए थे। तो उस वक्त उनको जो प्रोटोकॉल मिला था, जो वी आई पी चीट होनी थी, वो तो मैं नहीं दे सका। तो एक कॉलेज के लिए इन्होंने जिस तरह गुजारा करना मेरे साथ, ये यकीन करें मतलब मैं ये यही होने की बात है। उसके अलावा ये रोशन गुरु लाल जी, इसके बाद भाई ये यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड जो है, मैं खुद 25 साल से न्यूयॉर्क में रहता हूँ, न्यूयॉर्क तो हूँ वही 25 साल से खेल भी रहा हूँ। और ये चीज मैं महसूस कर रहा था, ये उसकी कमी में महसूस कर रहा था कि जब मैंने जो है अमेरिका आया और सुबह क्रिकेट का शौक था, 19 साल उम्र थी, और सुनते थे कि वहाँ आज सिलेक्शन हो रही है और वहाँ मैच हो रहा है और वहाँ यूएस की टीम बन रही है, और आज तक 25 साल में मैंने ये चीज़ देखी नहीं कि कोई आके और कोई कोचिंग के कैंप वगैरह हो। जब तक जो चीज़ भी सीखनी है वो जब तक हमारे अकेडमी में नहीं आएगी, स्कूल कॉलेज में वो चीज़ नहीं आएगी, वो आगे फैलेगी नहीं। तो काफ़ी सुपर हमने मैच देखी, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी करवाए, और क्रिकेट हम कोई वीकेंड तक है और आगे खेल नहीं रही, बस वो जो हम जैसे जो बाहर से आए हो वो खेल रहे हैं और हमारे बच्चों में क्रिकेट ट्रांसफर नहीं हो पा रही। सर हाँ, वहाँ से यह आइडिया मेरा डेवलप हुआ कि भाई क्यों ना हम, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके आके, वो एक बड़ा टूर हूँ इंशाल्लाह। और मुझे अंदाजा कि हर शहर में यहाँ पे 5-10 हज़ार ऐसे रजिस्टर प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और इससे ज़्यादा है। अब एल आई के अंदर उस वक्त जितनी क्रिकेट हो रही है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट न्यूयॉर्क में होती है, लॉस एंजलिस में होती है, मगर यहाँ पे वो क्रिकेट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सर हाँ, हमारा पैगाम उन तक पहुँचा नहीं, जो भी उनको हाथ में वो नहीं आया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे प्लान के साथ आएंगे इंशाल्लाह, और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। मगर न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ तक बहुत सारे शहरों में हमें ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे बड़े स्टार मिले, 10-12 साल के, 13 साल के, 15-15 साल के ऐसे बच्चे कि हमारे मेहमान उनसे, यानी कि उनसे इंस्पायर हो गया कि मोस्टली 99% इंडियन फैमिली से, इंडियन बच्चे जो है, इंडियन फैमिली से अपने बच्चों को अकेडमी में भेज के वो देखो अभी वही गेम में सिखा, जिस तरह हम अपने बच्चों को मेहनत करते, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आई टी फील्ड में है, वो क्रिकेटर बना रहा है। तो मुझे भी इसके अंदर था, मैं समझ शायद 50-50 होगा, इसलिए मैं जिन टीमों में खेला होगा तो पाकिस्तानी टीम है, न्यूयॉर्क में 10,000 से ज़्यादा क्रिकेटर खेलते हैं जो जो हमारा रजिस्टर है। हालांकि वहाँ 5-6 महीने क्रिकेट होती है, फिर उसके बाद सुरक्ष हो गया, 6-7 महीने जिनकी कोई क्रिकेट नहीं होती, और फिर भी इतने लोग वहाँ पे हैं। तो सब हमारा मुझे भारत का पता चला कि भाई इंडियन जो है वो माशाल्लाह इसकी कुछ छाया है, उसको बुराई नहीं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जब वो इनसे मिले और हीटिंग करें, वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भाई आप बताएं कि आप हमें इंडियन मूव होना पड़ा, हम इंडियन मूव हैं, हमें इंडिया मूव होना, पाकिस्तान मूव होना पड़ा, भी जहाँ आप कहेंगे दुबई में उनकी अकेडमी में, जहाँ आप कहेंगे बच्चों को लेके आएंगे, हमारे बच्चों को क्रिकेटर बनाए। अब हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है और फ्यूचर प्रोग्राम हमारा ये कि उन बच्चों को उनकी स्कूलिंग को देखते हुए उनकी टाइम टेबल बनाया जाएगा, और फिर सकी भाई खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ ले जा रहे हैं, दुबई लेके जा रहा है या इंग्लैंड, मतलब वो बुलाएंगे वहाँ पर कौन से तक खिलाना, वहाँ की अकेडमी तो उनको ट्रेन करना, प्लस क्रिकेट को ये कि कोचिंग से कुछ सुपर स्टार तो नहीं बन सकता, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। तो सर हाँ, ये अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लोगों जो बच्चे जो फैमिलीज अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना चाहती है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म यूएस क्रिकेट से अगर नहीं मिल सकता तो साको से मिल सकता है। तो यार उन फैमिलीज को हम भाग मतलब उनके बच्चों को हम ले जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो इसी हवाले से हमारे स्टार आए थे, इन्होंने कुछ कोचिंग की, कुछ लोगों की हेल्प भी की, कुछ ऐसे स्टार भी हैं जो 10-15 साल से खेल रहे, कुछ ऐसे लड़के भी थे मेरे सामने बैठे हैं खालिद भाई, और थोड़ी सी उनकी ट्यूनअप भी इन्होंने बॉलिंग में हेल्प की, उसके बाद उनको इतना मजा आया कि कल हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही थी तो 2-4 प्लेयर ऐसे भी थे कि वो काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, और थोड़ी सी मतलब भाई उनकी हेल्प की, उसके बाद उनकी बॉलिंग में और बैटिंग में आपको वहाँ निखार नजर आया, उसको हैरान थे कि यार ये सब कुछ हमने है, हम कर सकते हैं। तो भाई अगर एक बंदे को ड्राइविंग नहीं आती, आप उसको मर्सिडीज भी दे देंगे तो जब तक सीखा नहीं तो मर्सिडीज कब तो नहीं चलेगी। तो लिहाजा मेरा मकसद ये था कि तारुफ हो गया क्रिकेट का, और इसके अलावा भाई खान कह रहे हमें फॉलो करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी अगर आपको ऐसे बच्चे जो सीरियस है, ऐसे फैमिली जो अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, प्लीज हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उन्हें यहाँ से एक अच्छी कैंपिंग लेके जाएंगे, और रास्ता बता पाएंगे कि कौन सा रास्ता है, किस तरीके से आपका बच्चा या आपका प्लेयर या आपकी लीग का प्लेयर आगे आ सकते हैं।
ये सिर्फ उनके लिए इंडिविजुअल के लिए नहीं है, लीग बैठी हुई यहाँ पे मसाजे होती है, उनकी टीमें होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी लीग से, और उनके उनके प्लेयर्स को आगे आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह आप हमें हमसे रब्ता करें और हम उनका इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। मेरे मकसद ये था कि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ से टीम बनेगी 10-15 बच्चों की, और वो फिर दी जाएगी जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर दी जाएगी, ये बच्चे इस काबिल है और आप उनको ले कहना चाहते हैं फ्यूचर में हमें अट्रैक्ट करके इंशाल्लाह हम पूरी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वो आगे अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छी लीग में खिलाएंगे, काउंटर्स में खिलाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली कभी वो रिस्पॉन्स मिला नहीं यहाँ से, और इंशाल्लाह उम्मीद दो चार महीने बाद हम अगर नाम लेके आ रहे हैं उस पर डिफरेंट प्लेयर होंगे, हमारे पास इंडिया से प्लेयर आ रहे हैं, मुस्लिम मुल्कों से लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो यही मकसद था इंशाल्लाह, बाकी आपको कुछ सवाल जवाब हो हमारे मेहमानों से तो प्लीज जरूर कीजिएगा। So, I'll start a question answer session. If you have any questions, tell me. If anybody wants to ask any questions, I'll ask about Mike Lekal. Who's this? I don't know. What's the name of the name? यहाँ पे बहुत से लोग खेलने वाले हैं, मैं खुद तो नहीं खेलता लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनमें से कोई भी यहाँ पे खेले बोले हैं, किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो जो भी लोकल क्रिकेट खेलने वाले हैं तब तक उनको नहीं पता होगा तो कुछ नहीं आएगा। So that is really okay, so let me answer you this question. So there was announcements, there was flyers, or Brother Idas actually reached out to the Wood League, he reached out to NRM, Garden Grove, Arcadia, he said they wanted Arcadia information. Just NRM. I'm making sure that my voter has gone to the whole US, the whole league. All the flyers have gone to the flyers, everyone knows, everyone knows. और हमारा टारगेट सिर्फ 100 या 150 लड़के हैं, सिर्फ 2 ग्राउंड में आएंगे, यानी कि हमारे पास कोच 2 ही थे सिखाने वाले, 2 थे बाकी हमने लोकल कोच दिए थे। तो ये क्रिकेट की कम से कम यार 10-10,000 रुपये खेल रहे हैं, और हमने कहा हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमें तो 1,500 के, हमें 200 भी नहीं चाहिए, 100-125 हमारा आइडियल नंबर था, तब तक मैसेज आ चुका है। अब अगर हम कोई योग कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जरूरत नहीं है बोलना है, तो मैं नियोग के लिए नियोग में 10 लड़के भी रजिस्टर नहीं करा, हमें ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन की 10 लड़के, मैं 25 साल से वहाँ खेल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्रिकेट हमारे यहाँ है, जब वो नहीं आए तो जिला किससे क्या करना, और मैं से हमारा जा चुका है, और एयरवे हमारे स्पॉन्सर है, उस पर एक चीज़ चल रही है, पेड कैंपेन चलाई गई हमने पूरे नेबर में, जहाँ जहाँ हमारे ग्राउंड है, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को पता फीडबैक आ रहा था, मगर इंडस्ट्री या आयरन लोग उसके पीछे क्या वजह है कि हमारा पैगाम सब तो पूरे यूज में गया है। So what I'm doing is I'll actually let them know कि that was what happened, why was it not, and they'll give you the feedback. Why they didn't play? जो ना सवाल है ना सवाल आप ने इसको क्या सुना है? मेरा क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड है कि हम लोग खेलते हैं और आप दोनों से बेहतर कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ कि दोनों इस बात का जवाब दें कि आप बॉलर के पर्सपेक्टिव से और आप बैटिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे जवाब दीजिए कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जब गेम में हार जाए, मिसाल के तौर पर हम मैं जैसे बॉलिंग की साइड पर हूँ, बैट्समैन बहुत छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, हमसे वेट कर रहे हैं ओवर खत्म हो जाए, बस या किसी तरह खत्म, वो जो डीमोटिवेशन होती है उस टाइम पे टीम को किस तरीके से उठाया जाए विद इन अ मैच कि वी कैन टर्न अराउंड द गेम, उसकी क्या 2-3 आप टिप्स बता सकते हैं कि एज अ कैप्टन इफ एनी कैप्टन ट्राइज टू यू नो बक अप द टीम विद इन अ गेम हाउ वी कैन डू दैट सेम गोस विद बैटिंग एंड बॉलिंग। देखो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो दो चीजें आपके जहन में क्लियर होती हैं, एक आपका इंडिविजुअल प्लान ऑफ एक्शन या एग्जीक्यूशन, और वो जो प्लान आपका एक बनता है चाहे वो बैट्समैन है चाहे बॉलर है,
आपने उसको इतना एग्जीक्यूट किया होता है हर सिचुएशन में कि आपको पता होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा। एक ही हो गया, जब वो टीम इकट्ठी खेलती है कम अज कम एक साल इकट्ठे, पहले बैटिंग या बाद में बैटिंग, तो पूरी टीम ने हर इंडिविजुअल ने अपना अपना प्लान जब एग्जीक्यूट किया होता है तो सबको पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया था। तो वो जब ऐसी सिचुएशन आती तो वो सारे के सारे फिर जुड़ते हैं टीम एक दूसरे को बैकअप करती है, कहते हैं कि ये अभी हम करके गए थे ये कुछ महीने पहले पिछले साल ये हमने ऐसा किया है। वो भी टीम आपस में जब वो छोटी छोटी मीटिंग चल रही होती है, बॉलिंग यूनिट की मीटिंग होती है, बैटिंग की मीटिंग होती है, जब अंदर फील्डिंग में कर रहे हैं तो सबकी आपस में मीटिंग चल रही होती है, थिंक टैंक अंदर होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और सब जो है उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो है वो दोबारा बार बार एक दूसरे को मैसेज दिया जाता है, बैक किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे सवाल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एशिया का मंगल हार गए, तुम्हारे अंदर एक जगत है तुम्हारे दिल के अंदर, और क्या ये सवाल के पीछे एक जलने की बू आ रही है, तो मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। देखो हम लोग बहुत सारी गलती ऐसी कर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी गलती है, हम हमारा पीछे से जो बोर्ड है दूसरे हैं, अब आपके सामने एक बंदर बैठा हुआ है जो पिछले पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 सालों से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले था, खाली T20 में नहीं, फोर्डे क्रिकेट में भी वनडे में विकेट कीपरों में सबसे ज्यादा ऐसी के रन, इसलिए मैच जीत आए हुए बैठा हुआ है यहाँ पे। फिर होता ये है कि अब जैसे जुनेर आखिरी मैच में आया, जब आमिर नहीं था तो जुनेद आपका लीडर था बॉलिंग यूनिट का, तो आमिर आया तो ये बाहर हो गया। अब आप एक लीडर को एक लीडर है और उसको एकदम बाहर निकाल दो, बहुत बड़ा स्टेप है, ब्लंडर है बहुत बड़ा, वो साथ में नहीं है। फिर एक लड़का आ जाए शाहिन अफरीदी, यंग लड़का, वो उससे पहले अंदर आ जाए, हसन बाग में वो उससे पहले अंदर आ जाए, और जो आपका लीडर था वो वाइट बेंच पर बैठा हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। एक परफॉर्मेंस पे आप इधर ले गए, एक परफॉर्मेंस पे आप इधर ले गए। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे सिस्टम इसलिए ठीक नहीं है, आप सिर्फ सड़क पे चले जाओ गाड़ी लेके, उधर ही अंदाजा लगा लो कौन किस तरफ जा रही है, जहां रास्ता नजर आता है वही घुस जाएंगे, एक सेकंड किसी को दे नहीं सकते, लाइन हम बना नहीं सकते। तो हमारे सारे निजाम जो है वो इसी तरह ही चाहिए, स्ट्रक्चर हो उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, अच्छे तरीके से मुनाफे के लिए एक प्लेयर के ऊपर जो खिलाड़ी खेलते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और एक मैच के बाद आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की उसको आपने सर्वेंट होती है, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो वो जब चॉप एंड चेंज होते हैं ना, सर देखना चॉप एंड चेंज चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, तो हर बंदा शेकी होता है कि यार हूं मेरी बारी आ गई, अब मैं निकल जाऊंगा भाई टीम से, सरफराज के ऊपर चल रहा है, अब कप्तानी की दौड़ लग रही होगी, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होंगी, अब नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, उसकी लॉबी शुरू हो जाएगी, मीडिया वाला अपनी लॉबी चलाएगा, अंदर टीम के अंदर आपने कहा टीम के अंदर कैसे जो है वो बात किया जाए, टीम के अंदर टीम मैच होते हैं। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैं गया, बड़ा लोगों ने लाइक भी किया, मिस बॉल के ऊपर बात चल रही थी, उसको ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मिस बॉल तूने 3 मैच खेले सारी जिंदगी, पहला मैच तुम्हारा ऑपोजिशन के साथ था, दूसरा मैच तुम्हारा तुम्हारे साथ था, क्योंकि आपने आपको तैयार करना, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, आपके ऊपर हालात चल रहे हैं, फैमिली है, बीवी है, बच्चे, आपकी अपनी लाइफ है, मगर आप हर रोज तैयार कर रहे हैं अपने साथ, आप मैच होता है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है। तो मैंने कहा एक अपोजिशन के साथ मैच, एक तुम्हारा अपने साथ मैच और एक अपनों के साथ मैच था, और ये तीनों मैच हम खेल रहे थे एट ए टाइम। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्रेशर में होते हैं, इंडियन कोई प्रेशर, मैं इंग्लैंड में 2 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, उनका नेशनल टीम का कोच हूँ, यकीन करें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट 24/7 बैठा हुआ,
वो हर प्लेयर के साथ जाके बात करता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाए वो खत्म करते हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, बीवी बच्चों के साथ कितना अर्सा वो हमें रहेंगे, कितना फैमिली साथ में आएगी, इनको कैसे रिलैक्स रखना है, मीडिया का प्रेशर आ रहा है या उसकी परफॉर्मेंस का प्रेशर आ रहा है या इंजरी का प्रेशर आ रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। किसी को बाहर निकालना है उसकी एक्सप्लेनेशन है, किसी को अंदर लेके आना है उसका क्राइटेरिया है, हमारे नहीं है। एक बंदा बैठा हुआ है जाया कर दिया उसको, तीन चार साल से बाहर बैठा हुआ है, अब जब निकल जाएगा फिर रोता कोड़ता रहेगा ये भी, और फिर कहेंगे जी खून की जीता है, और उसी वक्त कैन चेक करो, वहाँ यूनिस कैन चेक करो, मोहम्मद यूसुफ कैन चेक करो, अब्दुल रजाक का देखो, डॉक्टर का देखो। मैं खुद बैग उठा के चला गया था 15 साल में गलाफी स्टेडियम के आगे से नहीं गया, मैंने कहा समझ ही नहीं आई, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर ऐसे ही होगा। बहरहाल आपके सवाल में पता नहीं कितने जवाब मैंने दे दिए। आप खोलेंगे ये बंद हो जाएगा। आजकल मीडिया यही बातें ढूंढ रहा है किसी पर एलिगेशन लाने के लिए। ये डेफिनेटली कंपटीशन तो होता है, हम कभी ये सोच के खेले नहीं, हम तीनों भाई बहन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, कोशिश यही होती है जिस टीम से भी खेले अच्छा परफॉर्म करें, और वही मोमेंटम होता है जो जैसे दूसरी टीमों के साथ होता है दूसरे प्लेयरों के साथ होता है। लेकिन बात ज़्यादा क्रिकेट की हो रही होती बड़ी सीरियस, उसमें कोई ये बात नहीं हो रही होती हंसी मजाक, बड़ा सीरियस रहता हूँ भाइयों के साथ, तो कोशिश भी करता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट पे बात करो, कोई और बात ना करते हो, तो बड़ी खुशी की बात है। माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं कि पहले मैं खेला तीन भाई हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जितना भी खेल रहे हैं बड़ी इज्जत से बड़ी मेहनत से माँ बाप की दुआओं से आप सबकी दुआओं से खेल रहे हैं। सबसे पहले तो आई रियली रियली अप्रिशिएट यू गाइस, आप दोनों हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं, आप लोग इधर आए, और हमारी स्पेशली पाकिस्तानी और सारी जितनी भी एटीएम जो भी कम्युनिटी, इनके लिए आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और कर रहे हैं, और साथ साथ में जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शफीक भाई जब भाई, सबकी सबको रियली थैंकफुल टू यू गाइस, और होपफुली टू सी कमरान भाई वेरी सून इन आवर नेशनल टीम, वी रियली नीड यू। इंटरनेशनल हो और यहाँ के लोकल जो अमेरिकन है वो देखने के लिए आ जाए, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? 5-6 साल से खेलने आ रहा हूँ, अभी मिशिगन में डैलस में खेलता रहा और इधर जिले में खेलता हूँ। फ्यूचर सिर्फ बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है कि क्रिकेट पे ना सिर्फ क्रिकेट हो, फुल बीच जैसे हम लोग खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और ऐसी एक्टिविटीज जैसे यूएस क्रिकेट वर्ल्ड ने काम किया है, ऐसी एक्टिविटीज सर ये एक महीने की कैंप की वजह से 10 सिटीज में जाने की वजह से एक एक मिनट में कुछ नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी। यहाँ पर इंटरनेशनल सीपीएल के मैचेस हो रहे हैं, फुल टाइम क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली जब आएगा में इतने बच्चे हैं इंडियन पाकिस्तानी और बंगाली और के उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और हमारा प्लान भी ये है कि हम आइडेंटिफाई करें 20-25 लड़के, उनका फुल टाइम जब भी हम लोग आए उन बच्चों के साथ काम करें और उनको इंडियन लेके सर्टिफिकेट अकेडमी में दुबई में आईसीसी ग्लोबल अकेडमी में लेके जाए, वहाँ पर मैचेस करवाए, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे काम होते रहेंगे, टूर्नामेंट होते रहेंगे, क्लब क्रिकेट होती रहेगी तो फ्यूचर अच्छा होगा। ये 1-2 साल या फिर 5-10 सालों में ये टीम ऐसी हो जाएगी, डिपेंड है कि ऐसी एक्टिविटीज ऐसे क्रिकेट होती रहे, फिर जाके हमारी क्रिकेट आगे अमेरिका की क्रिकेट ऊपर जाएगी। और फ्यूचर हमने देखा बच्चों में बड़ा टैलेंट है सब बच्चों में, बस उसको कॉलेज करने की जरूरत है, ऐसे प्लेयरों का आना ही जरूरी है यहाँ पे। आईसीसी का काम है तो आईसीसी भी इसमें पूरी हेल्प करे कि खुद भी आए खुद भी प्लेयर भेजे, और ऐसे प्लेयर यूएस क्रिकेट वर्ल्ड लाते रहे, इंडियन पाकिस्तानी बड़ा भी आ रहा था, तो मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, अमेरिका की क्रिकेट के लिए, कि ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं इतना बिजी शेड्यूल निकाल के टाइम निकाल।